हमीरपुर विकासखंड के तहत आने वाले ग्राम पंचायत मझोग सुल्तानी के तहत गांव डंगू के ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल उप प्रधान बुद्धि सिंह की अध्यक्षता में उपायुक्त से मिला और अपनी शिकायत सौंपी। ग्रामीणों ने अपने शिकायत पत्र में बताया कि आरोपित परिवार बार बार ग्रामीणों के साथ सड़क को लेकर लड़ाई झगड़ा कर रहा है। गांव का एक परिवार सभी लोगों को सड़क रोककर उन्हें धमकाकर वहां से ना गुजरने की बात कह रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्रामीणों की इस समस्या को लेकर पंचायत ने आरोपित परिवार के साथ इस बात का समझौता किया था कि वे सड़क पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं करेगा। ग्रामीणों ने आरोपित परिवार की इस हरकत से दुखी होकर पुलिस थाना में आरोपित परिवार की शिकायत भी करवाई थी। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने पुलिस कर्मचारियों के साथ 10 मई को सड़क से अवैध कब्जा भी हटा दिया था। पंचायत प्रशासन के साथ भी ग्रामीणों तथा आरोपित परिवार के बीच समझौता करवाया गया था कि भविष्य में इस सड़क पर अवैध कब्जा और लोगों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ग्रामीणों ने उपायुक्त से मांग करते हुए कहा कि गांव के लोगों की बंद की गई सड़क को दोबारा खुलाया जाए। पुलिस तथा पंचायत प्रशासन द्वारा किए गए समझौते के अनुरूप आरोपित परिवार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस संदर्भ में पंचायत प्रधान सरोज कुमारी व उप प्रधान बुद्धि सिंह ने बताया कि पंचायत व पुलिस प्रशासन के साथ आरोपित परिवार उल्लंघन कर गांव के लोगों को प्रभावित कर रहा है। पंचायत प्रशासन को भी आरोपित परिवार गुमराह कर रहा है। गांव के लोगों को खेत में ट्रैक्टर लेके जाने से रोका जा रहा है। प्रशासन से मांग की है कि आरोपित परिवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। मझोग सुल्तानी में DWD भोवाग द्वारा सड़क निकाली गई थी। गांव डुंगू में पिछली कई बार जो है वो हमारे वहाँ पे एक परिवार है, उसने कई बार जो है उस सड़क जो है उसको रोकने की कोशिश की है। हम तीसरी बार जो है DC ऑफिस आए हैं, लेकिन बार बार जो है DC ऑफिस से पुलिस को भी वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए भेजा था, लेकिन जब भी वहाँ पे हटाने हम लगते हैं जहाँ पे वो अपना घास वगैरह जो है वो परिवार जो है वहाँ पे लगा देता है और लोगों गांव ग्रामीण लोगों को मारने के लिए जो है वो मारने की कोशिश करता है। लेकिन उसके बाद पीछे जो है पुलिस ने उसके ऊपर केस भी लगाया था, लेकिन उसके बाद दोबारा उसने जो है एक बार फिर से वहाँ पे बाड़बंदी कर दी। लेकिन उस PWD विभाग से हम यही चाहते हैं कि उस सड़क में बस्टर्ड सड़क है, उसमें जल्दी से जल्दी जो है वो कार्य शुरू किए जाए ताकि लोग जो है वहाँ पे आने जाने के लिए जो है वो सड़क जो है वो लोगों के लिए सुविधा जो है वो हो जाए। इसमें सभी ग्रामीण जो है उनसे परेशान है। उनका जो छोटा बेटा है वो भी एक दो दिन पहले गालियां शराब पी के गालियां दे रहा था, पुलिस वालों को भी उसने गालियां दी है। ग्रामीण हमारे जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, ताकि ऐसा वैसा कोई हादसा हो गया वहां पे तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। तो हम यही चाहते हैं कि जो PWD विभाग की जो सड़क है उसको जल्दी से जल्दी जो चालू किए जाए और उसमें जो कार्य शीघ्र अतिशीघ्र किए। मानती नहीं है वो, तो हम आपके पास रिक्वेस्ट करें कि जल्दी से जल्दी हमारा फैसला कितने जाए। हमने ट्रैक्टर ले आना, खेत बेचने कैसे बेचने, तो ट्रैक्टर तो नहीं आने देती है, वह डंडे लेकर खड़े हो जाते हैं जी। यही भाई यही प्रॉब्लम है हमें आपकी इस हल कर दें तो बड़ी अच्छी बात है। खास रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो हमारा रोड जो है वो चालू कितने जाए। हम बहुत कम हमने रेता ले आना, बजरी और सीमेंट ले आना, कहाँ से कैसे ले आना। 13-14 टोल ना मैं खचना से जाते हैं, सिर पर उठा कर लेते हैं। यहाँ मान बाहर जाते हैं तो माँ भी जाती है, फिर थाने में आती है, बाद में फिर बाट दे देती है वहाँ पर। फिर जाकर कोई घास रख देती है, कोई लकड़ी रख देती है, कोई कुछ करती है।